दोस्तों ये देखे यहाँ पे हमारे जो केज था तोतो वाला, उसमें चूहे आ गए। देखे वो बैठा है, वो देखे कैसे वो ऊपर बैठे हुए हैं। अभी इन्हों को निकाल के हमें इन्हों का जो सेटअप है वो ऊपर रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फिलहाल तो मैं हम इसके अंदर से चूहे सारे निकालते हैं। वो इधर बैठे हुए हैं देखे, एक वो गुस्सा बड़ा है, एक ये रहा बाकी एक नीचे रहा। हमारे सारे तोते जो है ना देखे कैसे डरे हुए बैठे हुए हैं। अभी जल्दी से हम इस चूहे को निकाल के ऊपर रखते हैं। तो देखें साई ये जो पट्टी है ना, इसको भी देख खा खा के अंदर घुस गए हैं। वो देखें वो बैठा हुआ है कैसे। अरे मुझे डर लग रहा है। अरे यहाँ से ये देखें निकली हुई पट्टी यहाँ से आए अंदर, बाकी एक निकल गया है, बाकी दूसरे भी निकालते हैं। तो हमने सारे चूहे निकाल दिए हैं, अभी ये आराम से बैठे हैं। अभी इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और जाके सब अपने मन आराम आराम से आ गए नीचे, सुकून से अभी रहेंगे अंदर। दोस्तों वेलकम टू अनदर व्लॉग। दोस्तों मेरा नाम है नरेश। दोस्तों आज हमारे जो सेटअप है नई चीज़ आई है, चलो आपको दिखाता हूँ। हमारे बच्चे जो थे ये नीचे से ऊपर आ गए, नीचे इन्हें चूहे तंग करते थे, अभी ये ऊपर आ गए, इन्हें कोई तंग नहीं करेगा, सुकून से बैठे होंगे। और ये हमारे कैप्टन दोस्तों, इन्हें को हमने खाना वगैरह दिया है, खा रहे हैं। तो और ये हमारे कैप्टन, इन्हें को हमने खाना दिया है। ये है मेरी जावा जिसकी, इनने भी नेस्ट बनाना शुरू कर दिया है। हमने जो नेस्ट बना के दिया था इन्होंने निकाल दिया बाहर, बना रही है खुद। ये लवबर्ड इन्होंने मिट्टियों में जाना शुरू कर दिया है, दो तीन दिनों के बाद अंडे इन्हें के भी आ जाएंगे। ये डव, डव देखें, इनने भी हमारे नेस्टिंग मटेरियल यहाँ पर रखा दिया, खुद लेके जा रहे हैं। ये हमारे तीतर को हमने ढक दिया है ताकि ये आराम से बैठे, हमें मिट्टी भी रख दी है, खेल रहे हैं अंदर। दोस्तों देखें हमारे जो तितर हैं वो, इसको हमने ऊपर से ये जी दिया हुआ जिसकी वजह से ये अंदर से आराम से बैठे हुए हैं। अभी इन्हों को तंग ज़्यादा नहीं करते, मैं इन्हों को बंद कर देता हूँ। दोस्तों हमारी जो जावा जर्की थी, जावा जो जर्की थी, उन्होंने यहाँ पे जो है ना माना नेक्स्ट मटेरियल हमने जो अंदर रख के ही दिया था तो उन्होंने निकाल दिया है। बाकी ये इधर से ना मैं खुद बना रही हूँ अपना नेक्स्ट मटेरियल। बाकी इनको जो खाना है ना तो हम सुबह इनको दे देते हैं ताकि ना खाना अगर खा के देख ये खाना बना खा के आराम से मैंने इधर उधर चलती रहें। बाकी हमारे जो लव बर्ड थे और एक काली कोटनी, ये भी इधर ही हैं। इन्हों का मना ये भी अंदर अभी मटक गए होंगे, अंदर जाने लगे कुछ ही दिन, मना हफ्ते दो हफ्तों में इसके भी बच्चे ये अंडे वगैरह दे देंगे, उसके बाद अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। और ये जो इसका खाना वगैरह हमने इसका भी रख दिया है। हमारे जो आज जो सेटअप पर ना हमने अपने ये जो ऑस्ट्रेलियन तोते थे वो भी लेके आए। ऑस्ट्रेलियन तोते उधर नीचे उन्हें चूहे चेक करते थे। यहाँ से जो है ना ये देखो पट्टी उखड़ी हुई है, यहाँ से चूहे अंदर आ जाते थे, इसीलिए हमने इसको देखो मास्टर केज के अंदर रख दिया है। अभी मास्टर केज के अंदर इसको कोई नहीं तंग करेगा। इसके जो है ना अंडों में से इसके अंडे सब ने दे दिए हैं। अभी कुछ ही दिनों में इन्हों के बच्चे भी आ जाएंगे, वो भी फिर आपको दिखाएंगे। हमारे जो डव जो है, डव ने अपना देखो जो अंडे वाले अंडे रखने के लिए हमने इसको दिए लगा के दिए, छाने इस पर लगा के दिए। बाकी इसको जो मैंने नेक्स्ट मटेरियल दे दिया है, एक खुद जाकर भी बनाएंगे अपने हिसाब से। बाकी अभी तो खाना पानी पी रही है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको अपने कबूतर वगैरह दिखाता हूँ जो बीमार हो गए थे, उनको भी विज़िट कराता हूँ आपको। दोस्तों देखिए हमारे सारे कबूतर इधर बैठे हुए हैं। इन्हों को मैंने हमने सुबह खोला था, खाना पानी पी के अभी अंदर आ गए। इन्हों का खाना पानी हमने दे दिया है। बाकी हमारी जो ये वाली फीमेल थी ना, मेल की फीमेल, वो वाली ये हमने इसको हमने दवाई वगैरह दी थी, आँखों में दवाई लगाई थी, अभी बिल्कुल सेट है।
बाकी हमारा जो 1 लाख जो कबूतर है ना, इस ये भी एक बीमार हो गया था, आज भी इसको उसको दवाई वगैरह हमने पिलाई है, वो भी अभी ठीक है, वो भी अभी ठीक हो जाएगा, फिर आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो अभी ये देखें, ये बैठा हुआ है, बाकी ये एक्टिव है, ये बैठा हुआ है इधर। इन्हों को हमने ये डंडी लगा के दी है जिसके जैसे ये इसमें बैठते हैं। बाकी इन्हों का इधर से हमने सेटअप थोड़ा सा करके दिया है, कुछ दिनों में हम इसको सही सब सही से इसको सेटअप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सही से सेटअप कर देंगे। अभी तो हमने इसको लकड़ियाँ रख के दी हैं, लेकिन हम लकड़ियाँ वगैरह जो है ना, मैंने इधर इधर जैसे हमने डव जावा जिसकी के जैसे हमने रखे थे ना बाहर, जब डंडी अगर रखी थी खुद उठा के जाते हैं, वैसे हमने यहाँ पे देख डंडी वगैरह रखेंगे एक अपने, ये भी अपने हिसाब से घोंसला बनाए। अभी जो हमारे जो पुराने वाले लकी कबूतर थे उसका विजिट कराता हूँ। तो सही है हमारे पुराने लकी कबूतर, बाकी हमारे जो पुराने लकी के जो मेल है वो बीमार हो गया था, देखें कैसे बैठा हुआ है, ये बीमार हो गया था, फिलहाल तो एक्टिव है, बीमार हो गया था, इसका दवाई वगैरह में हमने पिलाई हुई है, बाकी इसके बच्चे कुछ ही दिनों में बड़े हो जाएंगे, चलना वगैरह सीख गए, कुछ ही दिनों में बड़ा हो जाएंगे। इन्हों का भी हमने सुबह सुबह खोला था, अभी अंदर रख दिया, धूप आ गई इसीलिए, बाकी इसका खाना वगैरह हमने रखा हुआ है, अभी हमने लेके आए। अभी ये अपने पानी भी रख दिया है, इसको पकड़ देते बंद। वैसे ये रहे हमारे लकी कबूतर, लकी के सॉरी ये जो लकी नहीं लहसुन कबूतर, जो हमारे लहसुन कबूतर इसकी जो फीमेल थी उसको भी आज हमने थोड़ी मैंने अंडे के लिए कर लिए, लेकिन बाहर जो निकलती थी तब इधर उधर नहीं जाती थी, अभी इसको भी थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया, पानी दवाई वगैरह पिला दिए, वो भी इसको दे दी। बाकी इसका ये जो है ये डब्बा, इसको भी हम पहले खाना वाला पानी सब इसको निकाल दिया, खाना पानी दे दिए। बाकी इसका जब पानी में डब्बा रखा हुआ है, बाकी इसका खाना पानी इधर रखा हुआ है। अभी आपको अपने मुर्गों का विदर कराते हैं, इसको बंद कर देता हूँ। दोस्तों मुर्गों को पहले मैं अपने जो टाकिंग जो पैरेट है उसका विदर कराता हूँ। इन्हों को जब हम मास्टर गेज के ऊपर सुबह सुबह खोलते हैं तो ये फ्लाइंग करते हैं, इसीलिए हम इसको अभी नहीं खोला, ताकि ये बात इधर उधर बना गिरने वगैरह नहीं जाए इन्हों को, अभी तो पर छोटे छोटे हैं, इतना नहीं उड़ पाते, फिर भी ये मैं हम सोचते हैं उड़ ना जाए, इसीलिए हमने इसके अंदर मास्टर केज के अंदर रखा हुआ है। बस अभी आपको अपने मुर्गों का विदर कराता हूँ। दोस्तों इससे भी पहले आपको खरगोश वगैरह दिखा देता हूँ, इन्हों को हमने जो कुतर दी हुई है, कुतर खा रहे हैं, बाकी इन्हों का पानी वगैरह दिया हुआ है, देखे कालू के साथ बैठा हुआ है, हमारा कालू ना बहुत शैतान है, इन्हों से भी शैतान है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ छुप जाता है। अभी इन्हों को फिलहाल बंद कर देते हैं, अंधेरे में कालू नहीं दिखाई देता। हाँ और एक बात ये, अंधेरे में ना कालू नहीं दिखाई देता, बाकी सब नजर आ जाते हैं लेकिन कालू नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो काला है। हाँ क्योंकि वो काला है ना, इसीलिए नहीं दिखाई देता। दोस्तों सागर बोला क्योंकि वो काला इसीलिए नहीं दिखाई देता। अभी आपको अपने मुर्गों का विदर कराते हैं। दोस्तों अपने पौधों वगैरह का हमने सुबह सुबह पानी दे देते हैं, ताकि ये मना जल्दी से ग्रो करें, इसीलिए हमने इसको जल्दी से पानी सुबह सुबह दे देते हैं। अभी आपको अपने मुर्गों का विदर कराता हूँ। दोस्तों हमारे जो मुर्गी है वो अपने 5 बजे बाहर लेके देख बाहर आई हुई है, बाकी इसके जो मतलब 5 ही अंडे थे इसके, वो हमने इसके नीचे रखे थे, इसके 5-6 बच्चे देख कितने प्यारे प्यारे से हैं, अरे पानी में गिर गया निकाल, 7 अंडे थे, 7 अंडे में से कितने 2 खराब हो गए, बाकी 5 में से 5 बचे आ गए। बाकी इसकी हमारी जो मुर्गी है वो आज बाहर निकली है, हमारी हमारे जो दूसरी कुड़क मुर्गी है वो आपको दिखाता हूँ, उसका भी विजिट कराता हूँ आपको। जैसे हमारा लाल बच्चा देखें कैसे यहाँ पे चल रहा है, इसको अभी खाना पानी हमने दे बाहर भेज देते हैं, बाहर से खाना पानी खा के आता है। बाकी हमारे जो स्टैंड होते थे यहाँ पे लगे हुए थे, यहाँ पे इसको जो मुर्गे थे मुर्गे के सॉरी चूहे थे वो तंग करते थे, इसीलिए हमने वो मास्टर केज के अंदर रख दिए। बाकी हमारा मुर्गा ये रहा, हमारी जो दूसरी मुर्गी उसका बदल कराता हूँ आपको। दोस्तों हमारी दूसरी मुर्गी ये रही, अब ये भी आवाज़ करती है, हम इसको अभी तंग नहीं करते, इसके अंदर जो है ना हमारा 14 अंडे पड़े हुए हैं, इसके ऊपर ये सही से नहीं बैठ पा रही, बाकी इसके जो अंडे हैं ना ये खुद ही अंदर कर देगी, फिर बाद में ये अंदर कर देगी। बाकी हमारे जो 7 मुर्गे 10 मुर्गे हैं ना वो बाहर चल रहे हैं, वो भी चलो आपको दिखाता हूँ, इसी मुर्गी के बच्चे हैं। बाकी हमारी उस मुर्गी के जो हमारी जो मुर्गी जो मर गई कुत्ते ले गए, उसकी उस मुर्गी के बच्चे यहाँ पे ढूंढते हैं,
वो फिर आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। तो अभी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा, फिर भी देखते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। तो मेरे सागर ने बहुत कोशिश की मुर्गे हमारे जो साथ हैं वो मिल जाएं शाम तक, तो आज तो ठीक है, वरना तो हम ढूंढेंगे उनको। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।